नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिनभर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खबरों का, तो चले बढ़ते हैं पहली खबर के साथ। हल्द्वानी शहर में जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अब हल्द्वानी क्षेत्रीय संघर्ष समिति आगे आ गई है। बता दें, समिति के संयोजक ललित जोशी ने आज बुद्ध पार्क में शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की, जिसमें हस्ताक्षर अभियान के पहले दिन आज बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तो वहीं इस दौरान ललित जोशी ने कहा कि हल्द्वानी शहर में रोजाना घंटों जाम लग रहा है और इस जाम में न सिर्फ शहर के लोग फंस रहे हैं बल्कि देश विदेश के पर्यटक भी घंटों जाम में फंसे रहते हैं, से सबसे ज्यादा चिंता उन अभिभावकों को रहती है जिनके बच्चे स्कूल से आते जाते समय जाम में फंस जाते हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन व्यवस्था करने में नाकाम साबित हो रहा है। भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के चलते आग की घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। बता दें, हीटवेव की चेतावनी के बाद नैनीताल जिले में अग्निशमन विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। तो वहीं विभाग के द्वारा छुट्टी पर गए कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया है। साथ ही विभाग मॉकड्रिल के साथ ही जागरूकता अभियान भी चला रहा है। तो वहीं मई के तीसरे सप्ताह की शुरुआत में ही 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे पारे ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं, जिससे भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच आग की घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। हल्द्वानी में पिछले दिनों पुलिसकर्मी की पत्नी से हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसके संबंध में सीओ नितिन लोहनी ने अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि टीपी नगर पुलिस ने लाखों के जेवरात के साथ तीन अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से पकड़े गए चोर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से गिरफ्तार किया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए चोरों का लंबा अपराधी इतिहास भी है। नैनीताल लालकुआ दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ के तत्कालीन सामान्य प्रबंधक के खिलाफ कुमाऊं कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के बाद शासन ने चार्जशीट लगभग तैयार कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक 7 दिन के भीतर चार्जशीट की कॉपी जारी कर दी जाएगी। वहीं इस मामले से जुड़े पश्मीना रजाई खरीद में धांधली के आरोप की जाँच में भी डेयरी निर्देशक के बीते दिन मौजटा GM को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। हल्द्वानी की वर्कशॉप लाइन पर नहर से निकले गए मलबे को कर्मचारियों ने सड़क पर रख दिया है, जिससे कारण सड़क की दोनों ओर मलबे के ढेर होने से यातायात प्रभावित हो रहा है, जिससे आसपास के लोग और दुकानदार परेशान हैं। तो वहीं जानकारी के लिए बता दें, काठगोदाम से आने वाली नहर वर्कशॉप लाइन से मंडी होकर तीन पानी पर निकलती है, जिनमें से ज्यादातर जगह पर नहर अंडरग्राउंड है, लेकिन वर्कशॉप लाइन पर नहर खुली पड़ी है, जिसके चलते बरसात से पहले सिंचाई विभाग और स्थानीय प्रशासन नहरों की सफाई करवा रहा है। तो वहीं सड़कों पर मलबा ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिससे विभाग से अब स्थानीय लोगों ने सड़क से मलबा हटाने की मांग की है। फिलहाल हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।